डाउट तो नहीं है? यस तो सर, ठीक से बनाएगा बेटा, अच्छे से है ना, गुड पेज मॉर्निंग सर। कंप्लीट करके इनकम्प्लीट नहीं छोड़ोगे। गुड मॉर्निंग कर, कोई भी पेज इनकम्प्लीट नहीं छोड़ोगे, सारे पेज कंप्लीट करोगे है ना, और जितनी कोशिश करो बनाना शुरू कर दो। बहुत सारा प्रोजेक्ट है इसलिए बनाने में समय लगेगा आपको, इसलिए थोड़ा जल्दी बनाए। ठीक है, आज कोशिश करें आप लोग एथलेटिक इवेंट कंप्लीट करें, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्विमिंग स्टार्ट करेंगे। स्विमिंग आती है स्विमिंग आप लोग को? नहीं आती? सर रिकॉर्ड का मटेरियल हमको खुद से गाना पड़ेगा कि प्रोवाइड करेंगे? हमने तो आपको दे दिया है रिकॉर्ड मटेरियल, आपने पोर्टल में चेक नहीं किया है। हमने एथलेटिक्स का पूरा मटेरियल दे दिया आपको, जो अभी तक जी आपने, और आपका जो कवरिंग पेज है, सर्टिफिकेट एक्नॉलेजमेंट है, वो आपको अरेंज करना है, लगाना है। ठीक है, और कॉपी कैसे यूज होगी? वन साइड ब्लैंक, वन साइड लाइनिंग कॉपी होनी चाहिए, बस ध्यान रखेंगे। फाइल आप बनाए प्रोजेक्ट फाइल में, ज्यादा अच्छा है, कॉपी ज्यादा मॉर्निंग छोड़ेंगे। सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो उस तरीके आप थोड़ा सा बनाते समय ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ठीक ठाक लगना चाहिए, और मतलब डेकोरेट होना चाहिए आपका। आपका स्पोर्ट्स का कॉपी, फिजिकल टेस्ट पहली बार आप बना रहे हैं, तो थोड़ा देखेंगे कैसे बनाते हैं। हम लोग तो बहुत बनाया प्रोजेक्ट फाइल, हमने अपने लाइफ में स्टार्टिंग से ही बनाया प्रोजेक्ट फाइल, और आज तक रखा भी है हमारे पास। हमने अपना जमा भी किया, साइन करा के चेक करके रख लिया। कभी होगा तो हम आपको दिखा भी देंगे हमारा प्रोजेक्ट फाइल। ड्राइंग करना नहीं आता हमको ज्यादा, लेकिन ये है कि ड्राइंग नहीं आता, लेकिन प्रोजेक्ट फाइल पेस्टिंग वेस्टिंग करके हम लोगों ने बहुत अच्छे से बनाया। कुछ लोगों की हेल्प लेके भी बनाया, तो बहुत अच्छा बनाया। हमको तो 30 में 28 29 तक मिला है, कभी कभी 30 भी मिल, 30 में 30 भी मिल चुका। प्रैक्टिकल फाइल तो आपको बहुत अच्छे से बनाना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट फाइल है आपका, उसी को देख के ही ऑब्जर्वर मार्क्स देते हैं वो थोड़ा। और कट छाट बिल्कुल नहीं चाहिए ना उसमें, ध्यान रखेंगे राइटिंग करते समय काटना नहीं है उसको कहीं भी। फेयर लिखिए और फ्रेश लिखिए उसको कहीं से भी आप। और दूसरा कीजिए, जहां पे जिस गेम का दे रहे हैं ना, उसी गेम्स का पिक्चर्स भी जब देंगे तो उसी गेम के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो ये पता चला कि आपने गेम कुछ और लिखा है या पिक्चर्स कुछ और लगा दिया, तो ध्यान रखेंगे उस चीज का। तो डियर, हम लोग कल डिस्कस थ्रो के बारे में डिस्कस कर रहे थे क्या? हाँ सर, हो गया कि नॉट? डिस्कस थ्रो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। डिस्कस कैसे करते हैं, तो मैं आपको डिस्कस के बारे में थोड़ा सा बता दूं। नॉर्मली हम लोग डिस्कस के बारे में जानेंगे, और डिस्कस थ्रो कैसे करना है ये आप लोग सीख, मेरे ख्याल से बहुत पहले खेलने भी होगी। हम लोग स्कूलों वगैरह में तो डिस्कस का टूर्नामेंट कराए भी हैं, आप लोग कई लोग पार्टिसिपेट भी किए होंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि डिस्कस कैसे करना है। डिस्कस जैसे कल हम लोग शॉर्ट पुट के बारे में सीख रहे थे, तो शॉर्ट पुट एक मेटल का जो बॉल होता है उससे शॉर्ट पुट किया जाता है, लेकिन डिस्कस जस्ट लाइक अगेंस्ट उसके होता है, एक फ्लैट रिंग होता है। डिस्कस जो रिंग होता है वो मेटल का भी होता है, वो उडन का भी होता है, और वो लेदर का भी होता है। एक हैवी रिंग होती है जिसको हम लोग थ्रो करते हैं, जिसका डायगोनल एंड डायग्राम ग्राउंड सेम थिंग जैसे शॉर्ट पुट का ग्राउंड होता है उसी तरीके से बना हुआ होता है। तो जिस तरीके से आप लोग इस पिक्चर्स को देख रहे हैं, इसमें सेम थिंग शॉर्ट पुट का ही पूरा डिजाइन दिया गया, उसी तरीके से दिख रहा है आपको। तो ये जो शॉर्टपुट है इनका पैटर्न का ही बना हुआ रहता है, ग्राउंड उसका जो मेजर किया गया था है समथिंग उतना ही होता है, लेकिन जो ये लैंडिंग एरिया देख रहे हैं आप जहाँ पे थ्रो होता है, वो लैंडिंग एरिया शॉर्टपुट एरिया से काफी बड़ा होता है ना। हमने शॉर्टपुट का एरिया आपको, जैसे ये हुआ आपका डिस्कस का ग्राउंड एरिया, डिस्कस ग्राउंड एरिया में आप देखेंगे एक रिंग होगा इस तरीके से, एक रिंग होता है, रिंग का जो सेम मेजरमेंट जो शॉर्टपुट में आपने देखा था वैसे ही इसी रिंग का भी होता है। इस रिंग का जो शॉर्टपुट, जो रिंग का जो एरिया होता है, जो हम लोग सर्कल जिसको बोलते हैं, सर्कल सेम जो शॉर्टपुट का होता है 2.136, और जो इसका सेंटर निकाला जाता है, ये सेंटर देखिए आप, कि सर्कल का एक सेंटर होगा, सेंटर के साइड से एक 4 मीटर का एक लाइनिंग होती है, इस लाइनिंग के अकॉर्डिंग एक डायगनल दिया जाता है, इस डायगनल एक मेजरमेंट होता है जो हम लोग इस ट्रायंगल एरिया में देख रहे हैं आपको। इसी बेस पे पूरा एक ग्राउंड बनता है,
यहीं से सेंटर निकालेंगे, सेंटर में 1.25 मीटर्स का एक रिंग लेंगे, इसको एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल से हम लोग क्या करते हैं इसका स्टिक स्ट्रेट सेंटर लाइन में दो पार्टीशन में इसको डिवाइड करते हैं, फिर इस ट्रायंगल मतलब एक एरिया से यहाँ से डायगोनल लिया जाता है, डायगोनल दोनों जहां से कटते हैं उसी डायगोनल को एक साथ जब जोड़ते हैं तो वहीं से एक सेंटर लाइन लिया जाता है, सेंटर लाइन से एक सीधी लाइन ली जाती है 90 डिग्री एंगल्स पे स्ट्रेट, उसको दो पार्टीशन में डिवाइड करेंगे, जो वी शेप का एक एरिया टू शेप में निकल जाता है ना, तो वो 40 मीटर्स 50 मीटर 20-25 मीटर्स में डिवाइड है जो दिख रहा है हमको, ये पार्टीशन जो है वो रेंज एरिया थ्रोइंग एरिया है, जब एथलीट यहाँ से रेंज से जब शॉट डिस्कस को थ्रो करता है तो वो इसी एरिया पे आके लैंड होता है, तो यहीं से एक मेजरमेंट किया जाता है, मेजरमेंट होने का एक तरीका होता है ध्यान रखेंगे, जब एथलीट यहाँ से थ्रो करेगा थ्रो वो किसी भी एंगल एरिया से इस रिंग के अंदर का कोई भी एरिया यूज करके वो थ्रोइंग कर सकता है, वो उसको फ्रीडम है, लेकिन जो मेजरमेंट होता है वो इसी सेंटर एरिया से लिया जाएगा, सेंटर एरिया से 90 डिग्री एंगल से ही बना के लिया जाएगा, और जैसे मान लो उसने इस कॉर्नर पे गिराया तो यहाँ से इसका जो रेंज है वो काउंट किया जाएगा, या इस एरिया पे गिरता है तो काउंट किया जाएगा, इस जो जो शेप दिख रहा है आपको जो लैंडिंग एरिया दिख रही है उस लैंडिंग एरिया के बीचों बीच ही कहीं भी आपका लैंडिंग होगा डिस्कस वहां से मेजर किया जाता है, मेजरमेंट करने के लिए एक मेजरमेंट डिपार्टमेंट होता है जो मेजरमेंट करता है, यहाँ पे चीफ जजेस एंड ज्यूरीज होते हैं, वो आपके टाइमिंग जो टाइम कीपर है जिसमें होता है एक टाइम स्टॉप वॉचर होता है और एक होता है आपका अनाउंसर होता है और एक चीफ जजेस होता है जो पूरे मैचेस को फॉलो अप कराता है, यहाँ पे एथलीट खड़े होते हैं, मैंने आपको जैसे शॉर्ट पुट में बताया था तो शॉर्ट पुट में जैसे आपने बताया था तो डायग्राम के साथ नहीं बताया मैंने आपको अभी बता रहा हूँ, तो सेम थिंग इसी एंगल्स में जैसे हम बोले कि यहाँ पे एथलीट की स्टैंडिंग पोजिशन कहाँ पे होगी, इस एंगल पे होगी, जहाँ पे मैं आपको एरो दिखा रहा हूँ इस एंगल पे स्टैंडिंग पोजीशन होती है, इसी स्टैंडिंग पोजीशन के साथ एथलीट खड़े होते हैं, इसमें सेम थिंग जैसे शॉर्ट पुट में 8 प्लेयर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक ग्रुप के अंदर, वैसे डिस्कस में भी 8 ही प्लेयर पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्रुप, अगर कैंडिडेट ज्यादा है तो उनके 2 ग्रुप 3 ग्रुप में डिवाइड किए जा सकते हैं, तो जो एथलीट होते हैं इसी पोजीशन में खड़े होते हैं उनका चेस्ट नंबर होगा, उनका सीरियल नंबर सीरियल वाइज खड़े होंगे वो, और इसी पोजीशन में खड़े होते हैं, यहाँ पे अनाउंसर उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, इसी पोजीशन पे लोग इंट्रोडक्शन करते हैं, इंट्रोडक्शन में ध्यान रखेंगे कि इंट्रोडक्शन के लिए जब प्लेयर्स का नाम लिया जाता है तो साथ में उसकी कंट्री का नाम या उसके प्लेस का नाम भी देंगे और साथ में चेस्ट नंबर के साथ उसका नाम दिया जाता है, चेस्ट नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने एथलीट होते हैं और एथलीट अपने चेस्ट नंबर के साथ ही उनकी आइडेंटिफाई होती है, तो एथलीट का जो नाम चेस्ट नंबर और उसका जो कंट्री है उसका अनाउंस एक अनाउंसर करता है, एथलीट अपनी जगह पे खड़े होके केवल अपना इंट्रोडक्शन करने के लिए हैंड्स मूवमेंट हाथ या पोजीशन अपना रिप्लाई देता है एक्शन करके, तो यहां से अनाउंसमेंट होगा तो ये सेंटर एरिया पे जब फर्स्ट होगा सीक्वेंस में तो यहां से फर्स्ट एथलीट को जब काउंट करेंगे तो एथलीट अपनी पोजीशन पे यहां पे सामने फ्रंट ऑफ में खड़े होगा जो रिंग का जो बैक एरिया होता है और वहां से जब उसको स्टार्ट के लिए बोला जाता है तो वो इंटर होगा, इंटर होने के बाद अपना डिस्क कवर करेगा, डिस्क को पकड़ने के बाद अपना पूरा इसी एंगल के एरिया को पहले जजमेंट करेगा अपने गेम्स पे फोकस करने के लिए अपना कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए, जब एथलीट खड़ा हो जाएगा तो उसके बाद उसको स्टार्ट पोजिशन दिया जाता है, एक टाइमिंग होती है जब स्टॉपवॉच के थ्रू टाइमिंग के थ्रू उसको दिया जाता है कि इतने देर में ही आपको थ्रो करना है, तो स्टार्ट बोलने के बाद उसका जो टाइमिंग उनको एक जजमेंट रहता है उनको पहले से पता रहता है क्योंकि वो उस पर काफी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, तो वो अपने एरिया पे पहले प्रिपेयर होते हैं, प्रिपेयर होने के बाद अपनी एक पोजीशन बनाते हैं, पोजीशन होने बनाने के बाद वो उसको थ्रो करते हैं, थ्रो करने के बाद उसका मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट के बाद उसका जो थ्रोइंग रेंज है उस पर पॉइंट क्रिएट होता है, तो इस तरीके से एक डिस्कस का पूरा गेम होता है। आपको डिस्कस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं, डिस्कस की जो टेक्निक्स होगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सर, अच्छे से आ रही है आवाज। आ रही है सर, अच्छे से आ रही है। शायद नेटवर्क नेटवर्क सही कर लो, हो सकता है क्योंकि बाकी की आवाज आ रही है। तो फेस ऑफ डिस्कस थ्रो, तो होल्डिंग द डिस्कस, होल्डिंग द डिस्कस मतलब डिस्कस को हम कैसे होल्ड करें। पहले ये चीज समझिए, आप कोई भी चीज पकड़ने का एक तरीका होता है, जैसे हम कोई
आपके हाथ में कोई डंडा हो, अगर आपको देंगे तो एक डंडा का फर्स्ट पोजिशन मिडिल पोजिशन पकड़ेंगे कि फ्रंट पोजिशन पकड़ेंगे, आप पकड़ेंगे तो बैक पोजिशन ही पकड़ेंगे। तो सेम थिंग जैसे मैं आपको बोलूंगा कि आप कोई वेटेड बर्थ जैसे कोई स्क्वायर की चीज है उसको उठाइए, तो आप उसको नीचे बेस से उठाएंगे, तो आपके पकड़ने का आपको तरीका पता होता है कि मालूम है कि मुझे इसको इस तरीके से होल्ड करने पे ही ये मैं लिफ्ट कर पाऊंगा। तो सेम थिंग वैसे ही होता है, डिस्कस का भी ग्रिप होता है, इस कैसे होल्ड करना है उसको। तो होल्डिंग का जो तरीका होता है मैं आपको पहले बता दूं, होल्डिंग का सिंपल तरीका होता है, पहले आप देख लीजिए इस तरीके से। अब ये होल्डिंग्स में हम ध्यान रखेंगे जो हमारी फिंगर्स होती है, फिंगर्स के बीच में हल्की गैप होनी चाहिए, है ना। अंगूठा ऊपर के ऊपर, जो हमारा ये थंब है ये ऊपर की ओर होगा, थोड़ा सा अपने जो फिंगर्स है उससे उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी कि अपना स्ट्रेच ज्यादा होगा। ये स्ट्रेच करके रखना है, लूज करके या क्लोज करके नहीं रखना है। सेकेंड थिंग, ये जो फिंगर होती है वो इस कॉर्नर से यहाँ से ग्रिप करना है, इस जो सेंटर लाइन है, सेंटर होता है फिंगर्स का, वहां से ये ग्रिप फोल्ड हो जाती है। जब फोल्ड होगी तो ये अंगूठा बाहर होगा और जो पाम होता है उसमें आपका ये जो सेंटर, जो डिस्क का जो सेंटर एरिया देख रहे हो वो टच होता है हमारे थंब साइड वाले पाम के एरिया में, और उसको उस तरीके से ग्रिप करने के बाद उसका जो एंडिंग एरिया होता है, जो डिस्कस का जो आउटर एरिया होता है, बॉर्डर होता है, वो हमारे फोर आर्म्स के पास आता है, यानी रिस्ट से जस्ट ऊपर, यानी कि आर्म्स के इस पोजिशन के पास हमारा ग्रिप बनेगा। तो टोटल हमारा जो ग्रिप होता है इस तरीके से। अब ये बताइए, आप ये चीज आप जान लीजिए कि जो डिस्क होता है इतना बड़ा होगा कि कम से कम हमारे ये दोनों हैंड्स के बराबर में आएगा, ठीक है, जो मेल या फीमेल के लिए होता है। लेकिन जूनियर्स और कैडेट्स के लिए जो रिंग यूज होता है वो बहुत छोटा होता है, आपका सिंगल हैंड्स में आ जाएगा इतना। अगर नॉर्मल एक मेन्स है तो उसके एक हाथ में आ सकता है, लेकिन एक मेन्स और वुमेन्स जो इंटरनेशनल लेवल पे रूल्स के हिसाब से जो डिस्क यूज किया जाता है वो डिस्क एक मिनिमम आपके दोनों हाथ में आना चाहिए, इतना बड़ा होगा, ठीक है। पर्टिकुलर इसका एक साइज भी है, उसको भी मैं बता दूंगा, लेकिन एक आप उसको मेजर करना चाहें, एक फॉर्मेलिटी, एक फिजिकली मेजर करना चाहें, तो आप उसको इस तरीके से देख के कर सकते हैं। तो उसको आप देखेंगे, उसका ग्रिप पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से फिंगर्स फोल्ड करके आउट करके और उसको ग्रिप किया जाएगा। इस एंगल पे थोड़ा सा हम इसको फोल्ड करते हैं, इस तरीके से फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो जो हमारा जो रिंग है वो रिंग यहाँ पे टच होगा। टच होने का मतलब है कि इसको हम इस एंगल पे भी ग्रिप किए हुए हैं और यहाँ पे टच होने के बाद फ्रंट उसका जो फर्स्ट पोजीशन, यहाँ दोनों पोजीशन हम लेके जब हाथ को सीधा करते हैं तो हाथ जब हम स्ट्रेट करेंगे तो कोशिश ये होती है कि जो फिंगर होता है उसको ऊपर की तरफ पुश करके रखें ताकि हैंड से टच रहे, और टच होने के बाद यहाँ का जो मसल्स है उसको ग्रिप करने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होता है, हाथ से छूटता नहीं है डिस्कस और पर्टिकुलर ग्रिप बना रहता है। तो होल्डिंग करते समय हमको कुछ टेक्निकली इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से हम उसको होल्ड करें, है ना। होल्ड करने के बाद एक पोजीशन आता है इंटेल पोजीशन, उसका जो फर्स्ट पोजीशन होता है कि तरीका कैसा होना चाहिए हमें डिस्कस थ्रो में खड़े होने का। तो डिस्कस थ्रो में खड़े होने का पोजीशन मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले है जैसे ये रिंग एरिया है, रिंग एरिया के इस पोजीशन पे जो एंडिंग बैक एरिया देख रहे हैं आप, इस एरिया पे जो एथलीट होता है वो अपना ओपन पैर को थोड़ा सा फैला के खुला हुआ वी शेप एंगल पे और नी को बेंड करने का मतलब अगर हम बोले तो जैसे हॉर्स पे बैठा हुआ एक आदमी होगा तो थोड़ा पैर फैला हुआ और घुटना मुड़ा हुआ रहता है, उस एंगल पे थोड़ा सा बेंड स्टैंड पोजीशन पे उसी तरीके से स्टैंड होगा और बैकबोन सीधा रखने की कोशिश करेगा, और दोनों हाथ जो होगा उसका पोजिशन में इस तरीके से होगा, एक हैंड्स में उसका डिस्क होगा और नीचे से उसको सपोर्ट करके रखते हैं। और पोजीशन पे जब बनाते हैं तो उसका एक रिदमिक मोड ऑफ मूवमेंट्स के साथ जब वो मूवमेंट लेता है, रिदमिक मूवमेंट यानी कि हम आपको ये पोजीशन बता दें कि जब वो पोजीशन पे बना रहेगा तो इस तरीके से ओपन और क्लोज, ओपन एंड क्लोज मूवमेंट में पहले रिदम बनाने की कोशिश करता है ताकि डिस्क को एक क्लोज मोशन के साथ ही और सिक्वेंस मूवमेंट के साथ ही थ्रो किया जाए। थ्रो करने से पहले उस पोजिशन पे वो एक से दो बार रिदमिक करता है, रिदम करने के बाद वो ट्विस्ट मूवमेंट के साथ उसको आगे जाके थ्रो करता है। ट्विस्टिंग मूवमेंट्स में ये ध्यान रखेंगे कि जो उसका फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन पे ही बॉडी जो होती है एक राउंड ट्विस्ट होती है पूरी एक ही पैर पे, उसके राइट लेग पे, अगर लेफ्ट की है तो लेफ्ट लेग पे, वैसे क्लॉकवाइज ही घूमा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमा जाता। ध्यान रखेंगे कि जो एथलीट है वो क्लॉकवाइज ही ट्विस्ट करेगा और अपने राइट लेग को ट्विस्ट करेगा, पे खड़े बेस पे खड़ा होगा तो ट्विस्ट करते हुए मूव करेगा, और सेकेंड जब मूवमेंट होगा वो स्टेपिंग के साथ, यानी कि
फर्स्ट मूवमेंट राइट लेग को फिर फॉरवर्ड करते हुए फिर ट्विस्ट करते हुए फिर मोशन के साथ थ्रो करता है। तो ये इसका फेंकने का फर्स्ट पोजीशन का जो तरीका है वो इस तरीके से कि उस स्विंग करेगा। सेकंड थिंग डिस्कस थ्रो में जो पैरलिमिनरी स्विंग जो होता है वो एक टेक्निक है जिसमें हम बोले कि हम जैसे डिस्कस थ्रो करते हैं, थर्ड पॉइंट पे आएंगे, तो हम जो थ्रो करते हैं यानी डिस्क को ग्रिप करने के बाद हम जब लास्ट मूवमेंट में जब हम फेंक रहे होते हैं डिस्क को ग्राउंड एरिया पे, तब हमारा जो फिंगर है वो इसको ट्विस्ट करके रिस्ट को इस तरीके से स्विच करोगे आप, इस तरीके से स्विच होगा ताकि ये घूमते निकले आपके हाथ से जब स्वीप होगा तो ये क्या होगा क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमते हुए जाएगा, ना कि हम इसको अगर इस एंगल पे फेंक रहे हैं तो ऐसे फेंकेंगे तो ये आपके ग्राउंड के बाहर जा सकता है। यानी कि आपका जो आप जो हैंड्स का मोशन लेंगे स्ट्रेट फेंकने के समय, तो बॉडी के जब स्ट्रेट पे आएगा 90 डिग्री एंगल सेंटर पॉइंट पे जब आएगा हाथ, तभी हैंड्स क्या करेगा उसको स्विच कर देगा। स्विच करने के साथ जब हमारा जो डिस्क है वो क्लॉकवाइज घूमते हुए आगे चले जाएगा। तो ये जो टेक्निक्स है इस पे ध्यान देना होता है। जनरली हम लोग डिस्कस थ्रो में चीज देख नहीं पाते हैं कि हमको डिस्कस को पकड़ना, तो चलो पकड़ने का ग्रिप हम समझ भी गए, लेकिन फेंकने का जो तरीका है वो समझना जरूरी होता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। मैसेज सर, कोई मैसेज कर रहे सर, एकदम घटिया घटिया मुझसे सर।